हाँ देखेंगे जी, क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ साथ में पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट प्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट्स वर टेस्टेड इन देयर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, ये दे रखा जी, केमिस्ट्री ये दे रखा जी, मैथमेटिक्स ये दे रखा जी, और उसके बाद में यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस लास्ट में दे रखा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। The table contains the data on the number of candidates securing marks within the specified range of marks. किस तरीके से बता रखा है? कह रहा है कि 81 से 100 तक के जो नंबर हमने बताए हैं ना आपको, सॉरी जो कैंडिडेट्स आपको बताए हैं, उसका मतलब ये है द रेंज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू और मोर देन 81 और इज इक्वल टू और लेस देन 100, यानी कि 81 से 100 तक के जो बच्चे हैं वो 81 से 100 तक के ही वो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि या तो 81 नंबर आएंगे या 81 से लेके 100 तक के नंबर उनके आएंगे। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं यहां पर 11 से 20 की, तो 11 नंबर अगर उनके आए होंगे और 11 से लेकर 20 तक के बीच की जो भी रेंज के नंबर आए हैं वो सब यहां पर बताए गए होंगे। हां जी हां जी हां जी, प्रेम प्यार से हमने आगे की ओर बढ़ता है। यहां पर क्या है, मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट, तो ये दे रखे थे आपको मार्क्स, और यहां पर जो नीचे बता रखा है ये आप लोगों को कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन बता रखी है, ठीक है ना, ये कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन है। यहां पर एक खास बात आपके लिए ध्यान देने योग्य है, मैंने आपको बताया था हेडिंग्स वगैरह आपने खास तौर पे देखनी है, ये टोटल मार्क्स की हेडिंग है डियर, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, लेकिन ये 50 है डियर। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर 50 की बात कर रहा है और यहां पर 100 की बात कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, दिमाग में रखने वाली चीज है। अब इस चीज को लेकर चक्कर में पड़ गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हमने ओवरव्यू कर लिया जी आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्वेश्चन देखेंगे। इफ सिक्योरिंग ओवर 60%, ओवर का मतलब हो गया 60% को इंक्लूड नहीं करना, 61 को इंक्लूड करना है। मार्क्स इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर ईच ऑफ द थ्री सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, सुख की सांस हमने ले लीजिए, यहां पर पहले वाले तीन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, हां जी हां जी हां जी, तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर यहां पर बताया गया है, अगर किसी के 60% से ऊपर नंबर आ गए, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस विंडो को देखना है, ये वाली विंडो हमने देखनी है, ये वाली विंडो हमने देखनी है, इस विंडो के अंदर तीनों सब्जेक्ट के अंदर पास कर लिया हो तो वो बताओ कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। फिजिक्स का हमने देखा तो 4 स्टूडेंट थे, 1 स्टूडेंट था और यहां पर 0 आ गए जी, कोई बात नहीं जी, 5 स्टूडेंट तो कम से कम पास हुए फिजिक्स में। केमिस्ट्री में यहां पर छक्के लगा दिए जी, 875 स्टूडेंट पास हो गए, यहां पर 5 स्टूडेंट पास हुए, यहां पर 2 स्टूडेंट पास हुए, कोई बात नहीं जी, पास तो हुआ कम से कम, 60% से ऊपर तो आया। मैथमेटिक्स के अंदर यहां पर आके जो है ना वो भट्टा गोल हो गया, 0 बटा सन्नाटा, निल बटा सन्नाटा यहां पर हो गए जी, हो जाते हैं स्टूडेंट आमतौर पर हो जाते हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हो गया जी, 0 नंबर यहां पर आए डियर, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो 60% से ऊपर यहां पर नंबर लेकर आए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि ऑल थ्री सब्जेक्ट्स में बताओ जी किसके 60% नंबर आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो सभी के तो नहीं आए डियर, यहां पर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आए हैं, मैथमेटिक्स के अंदर तो सारों का ही भट्टा गोल हो गया, तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर पास होने वाले कैंडिडेट कितने हुए, कुछ भी नहीं हुआ, 0 बटा सन्नाटा हो गया है, क्वेश्चन यहां पर सोल्व हो चुका है डियर, 0 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अरे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी आपको, स्क्रीन पर तो पेन लगा नहीं सकते ना आप एग्जाम के अंदर, ये तो मेरी स्क्रीन है, मेरा घर है, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं चाहे जो मर्जी करूं, हाँ मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, लेकिन एग्जाम के अंदर टीसीएस की मर्जी यहां पर चलने वाली है, तो आप बताएंगे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है डियर। तीनों सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना था डियर, यहां पर खास तौर पर बताया गया था हू हैव क्वालिफाइड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने में घुस गए जी, 875 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, इस तरीके से कैलकुलेशन करने में घुस जाएंगे, वैसे तो देखो एग्जामिनर ने अच्छी बात ये की है कि यहां पर आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखी इतनी बड़ी कोई फिगर, तो आप वैसे भी दिमाग वहां पर लगा सकते थे। सभी को बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताना शुरू करेंगे या सर बात समझ में आ गई है? हाँ, लेखिका इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और ऐसी ऐसी बात करती होती है, ऐसे मजा कैसे आएगा। हाँ रुकाया शाह ने हंसी भेजी है लेकिन उल्टा हो गया हंसी भेजिए, रुकाया शाह ये हंसी का कौन सा तरीका है। हाँ चलो जी चलो जी चलो जी, प्रेम प्यार से आगे कर बढ़ना है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डियर, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे, और ये रहा जी अगला क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा यार, अब पूरा आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बताएंगे जी क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का।
ऋतु जाने में हंस हंस के लोट पोट। ठीक है ऋतु, बहुत बढ़िया, एंजॉय करना है, दिमाग शांत रहेगा तो मजा आएगा। हाँ हाँ रेखा बहुत बढ़िया। देखो जी देखने में हाँ प्रशांत बहुत बढ़िया। चलो जी, रेखा ने एक बात लिखी है डियर, थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे प्लीज। रेखा ने एक बात लिखी है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उस बात को जरूर पढ़ लेना। रेखा ने एक बात लिखी है, नहीं समझ आया सर मुझे, शिवानी ने बोल दिया। चलो कोई बात नहीं शिवानी, हाँ शिवानी क्या चीज समझ में नहीं है, जल्दी से उसे लिखो, मैं पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं आप सभी के। जीरो आंसर देकर 2 नंबर मिलेगा, अरे जीरो आंसर देकर 0 नंबर मिलेगा ऋतु। साक्षी गर्ग पढ़ लिया तो आंसर बताओ मेरे को। शिवानी जल्दी से देखो, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन, चिंता नहीं है शिवानी, बैठे रहो अभी। मैंने अभी अभी ऋतु जांगड़ा के कमेंट पे आपको रिस्पोंड किया है, वहां से कम वो मिलना चाहिए हिंट। अरे जीरो आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का, और एक और हिंट दिया था, रेखा का कमेंट ध्यान से पढ़ लेना। नहीं पढ़ना जी हमने सर, हम नहीं पढ़ेंगे पैन कमेंट, क्या बात कर दी सर आप, नहीं करेंगे सर। मैं बताता हूं आपको कहां पर गलती कर दी आपने, दिमाग नहीं लगाया है। सिक्योरिंग ओवर 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है, दिमाग लगाएंगे कंप्यूटर साइंस एरिया। अरे टोटल मार्क्स 50 है, 50 का 60% निकालोगे तो कहां पर जाओगे, अरे कहां पर जाओगे बताओ मेरे को। 40 से ऊपर चले जाओगे डियर, 40 से ऊपर, सॉरी ये 6 5 30, 30 से ऊपर चले जाओगे, यहां पर इसके ऊपर चले जाओगे डियर, यहां पर चले जाओगे। ये विंडो आप लोगों ने देखनी है, आप 60% का मतलब 60 से ऊपर लेकर जा रहे थे। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग अपनी आंखें खुली रखेंगे, यहां पर 50 लिख रखा है, यहां पर 100 लिख रखा है। पहले क्वेश्चन के अंदर जानबूझकर उसने आपको उलझा लिया कि आप इस 100 के अंदर अटक जाएंगे, 60% की विंडो में यहां पर ही छान मारते रहेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में इसने 60% दे दिया, लेकिन 50 का 60% करना था, जो कि आपको यहां पर 30 से ऊपर लेकर जाएगा, और 30 से ऊपर वाली विंडो आपने यहां से ये देखनी थी डियर, यहां से ये वाली देखनी थी। जल्दी बताएंगे या सर्वा समय में आगे है। अब 8.76 का क्या फायदा नलनी, अब तो हाँ चिड़िया चुग गई खेत डियर। हाँ निशा शर्मा बोल रही है ओ हाँ, ज्योति बोली है ओ माय गॉड, गुल्लो बोली है ओ नो, हाँ यही तो बात थी कि मुलाकात छुट्टी। और मैंने हिंट दिया था आपको, रेखा का कमेंट पढ़ लो, नहीं दिया ध्यान आप लोगों ने, नहीं दिया, मेरे हिंट नहीं पकड़ पाते हो तुम। हाँ क्या जीतोगे तुम मुझसे, कभी खेलोगे तो क्या जीतोगे, हिंट दूंगा मैं तुम्हारे को, कभी नहीं जीत पाओगे तुम मुझसे। हाँ चलो जी, यहां पर हमने टोटल किया जी, 2145 में 220 जोड़े तो हमारे पास में 2365 आ जाएगा, 2365 आ जाएगा। सीधी सीधी बात थी, कोई कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ यहां तक की बात समझ आ गई क्या शिवानी, जल्दी से बताएंगे। हाँ, चलो जी चलो जी चलो जी, यहां बताएंगे शिवानी, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए, जल्दी से देखेंगे। इफ सिक्योरिंग ओवर 60% मार्क्स इन क्वालिफाई इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर 60% से ऊपर मार्क्स कोई स्टूडेंट हासिल कर लेता है तो वो क्वालिफाई यहां पर कहा जाएगा। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब यहां पर आपको बताया कि टोटल जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे उनमें से जिन्होंने पास कर लिया है वो आपने बताना है। तो सीधे सीधा क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप इनका परसेंटेज बताइए किसके एवज में, इन सबके एवज में। सीधी सीधी बात आपके लिए यहां पर रखी गई है। तो आप इन पांचों फिगर्स का टोटल सबसे पहले करेंगे, मुझे बता देंगे। इन दोनों का टोटल मैंने कर लिया है जो कि 2365 आ रहा था,
2365 के डिवाइड में कितना लगाना है बताइए इंटू 100, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रख दिया है। जल्दी से बताने शुरू करेंगे या सर बात समय में आगे। हाँ जल्दी से बताओ शिवानी, जल्दी से कमेंट करो और बताओ मुझे बात समय में आ रही है क्या। हाँ टोटल 27,000 आ रहा है। लो जी अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को कि भी किस तरीके से परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले तो इन दो जीरो का खेल खत्म करो, दो जीरो का खेल खत्म कर दिया, दो जीरो का खेल खत्म किया। इतनी देर में मेरे लैपटॉप भैया को जो है वो भूख लग गई, कहता कि सर मुझे खाना खिला दो आज, कल लेट कर दिया था आपने। ठीक है जी मैं खाना खिला देता हूँ। हाँ चलो जी चलो जी चलो जी। अब देखिए जी 270 बच गया जी हमारे पास में नीचे और 2365 बच गया। बड़ी दुविधा है जी किस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल हो रही है। चलो जी मुश्किल हो रही है तो एक जीरो और उड़ा दो, यहाँ पर 0.5 लगा दो जी। ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। 236.5 है तो 0.5 को मारो गोली, 236 कर लो। चलो जी और आसान हो गया जी। अब 27 से डिवाइड देने की बात आएगी, 27 का पहाड़ा आ रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको 27 का पहाड़ा नहीं आता है। आपको पता है कि 27 के अगर मैं डिवाइड दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह 270 पर पहुंच जाएगा, पर 236 तक जाना है हमने तो थोड़ा बहुत तो दिमाग हमने चला लिया कि 27 दुना तो 54 होता है और 270 में से अगर मैं 54 घटा दूं तो 236 के आसपास वाली फिगर हमारे पास में आ जाएगी। तो आप अगर 270 में से 54 को घटाना चाहें क्योंकि 27 का दुगना 54 हो जाएगा, तो आप एक तरीके से 27 इंटू आठ की कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं। बड़ा फंबल हो रहा है यार आज मैं क्या करूं। तो 27 इंटू 8 की कैलकुलेशन जब आप करते हैं 270 माइनस ओपन करते हैं तो ये आपके पास में 216 पर आपको ले जाता है। 236 में से 216 का काम तमाम आपने कर दिया और 8 पर आप पहुंच गए जी। जैसे ही आपने 8 निकाला तो आपको पता लग गया कि 8 point something वाला आंसर आना है। यहां पर जाके देखा तो बड़ी दुविधा एक और खड़ी हो गई कि 8.76 और 8.65 दे रखा है, तो आगे और सोल्व करना पड़ेगा। जब हमने 216 तक डिवाइड करवा दिया तो पीछे बच गए जी 20 बच गए जी और आगे हमने जीरो लगा दी अपनी मर्जी से। अब 27 का फिर से डिवाइड देना 200 में पहाड़ा तो फिर नहीं आता, लेकिन अभी अभी हमने 216 तक की कैलकुलेशन की है जो कि 8 तक करने पर आ रही थी। अब 216 में से 27 को अगर आप घटाना चाहें तो 189 पर आप पहुंच जाएंगे, लेकिन एक कम करना पड़ेगा यानी कि 7 आपके पास में यहां पर आ जाएगा। तो 8.7 वाला आपके लिए आंसर है जो कि आपके दूसरे नंबर पर दे रखा है और आप इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। थोड़ी सी टिपिकल आपके लिए ये कैलकुलेशन हो गई है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये डियर हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास भी आप लोगों के लिए हो जाती है और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए सार का काम कर रहा है। यहां पर मैं जानता हूं थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए होगा, पर आई होप कि आपको बात समझ में आनी शुरू हो चुकी होगी। हाँ आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है डियर, हवा में कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी है, कैलकुलेशन के अंदर कभी भी खोना नहीं, ये सब चीजें कॉपी के अंदर लिखे। कैलकुलेशन करते वक्त खो मत जाइएगा, पूरा आंसर की तलाश के अंदर मत जाइएगा, जितना जितना कैलकुलेट कर लिया है उतने को आप ऑप्शन के अंदर देखना शुरू कीजिए। अगर नहीं मैच कर रहा है तो थोड़ा सा आगे और सोल्व कीजिए, जैसे मैंने अभी किया था। 8 तक की कैलकुलेशन कर ली थी, देखने गया 8.76 दे रखा है, 8.65 दे रखा है, फिर आगे आया कैलकुलेशन करने की कोशिश की, 7 तक पहुंच गया, देखने गया 7 वाला 1 ही दे रखा है, इस पर टिक करके आगे की ओर बढ़ गया। अब आप घर पर बैठे तो कैलकुलेटर उठाकर देख लो कितने परसेंटेज आपके लिए निकल रहे हैं। इस तरीके से आपने परसेंटेज को करना है दिया। हाँ चलो जी चलो जी चलो जी, जब आप बता रहे हैं तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है। हाँ प्रशांत वाणी ऐसा होता है। चलो जी चलो जी चलो जी, हाँ आ गया सर। हाँ निकिता तलवार बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट के कमेंट मेरे पास ही आने।